जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस सेशन के अंदर बात करने वाले हम रीट मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर के, साथ ही साथ जो ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर के। काफी सारे विद्यार्थी है वो परेशान है। प्रोविजनल में लेवल वन में काफी स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद में लेवल टू की हम बात करें तो उसमें ज्यादा बच्चे है वो प्रोविजनल में नहीं रहे। तो आज इस सेशन के अंदर हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं और हर एक जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आज की हम बात करें, आज है वो अंग्रेजी विषय का जो परिणाम है वो आने वाला है। आप सभी को पता है आज अंग्रेजी विषय का परिणाम है वो आ जाएगा। उसके बाद में कल की हम बात करें तो कल विज्ञान का जो परिणाम है वो आने की बात है, और उसके बाद में जो भी परिणाम रहेंगे वो अगले सप्ताह में आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है SST का बच गया, संस्कृत का बच गया, और जो भी विषय जो छोटे सब्जेक्ट बचे उनका आएगा अगले सप्ताह में। और अगले सप्ताह की भी हम बात करें तो आपका जो परिणाम है वो बात करें आप 18, 19 और 20 इन तीन डेट को आ जाएगा, क्योंकि 20 तक का बोर्ड ने बोला था कि 20 तारीख तक सभी परिणाम है वो जारी कर देंगे। तो यहां तक सभी परिणाम आ जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं, तो ज्वाइनिंग को लेकर हमें नहीं घबराना है। आप सभी को पता है कि आचार संहिता 10 अक्टूबर तक की बात है वो चल रही है, तो 10 अक्टूबर तक आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कन्फर्म रूप से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल वन की तो वैसे भी नहीं है, लेवल वन की तो जो प्रोविजनल में रहेंगे उनकी भी हो जाएगी। और L2 के अंदर हम बात करें, वो स्टूडेंट जो बाहरी राज्य से जो जिन्होंने डिग्री ले रखी है, या वो स्टूडेंट जो किसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेकर जो जिनकी जांच होनी है उनकी, हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी की ज्वाइनिंग है वो रोकी जाएगी, सभी की एक साथ हो जाएगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वेटिंग को लेकर, तो वेटिंग को लेकर हम बात करें तो वेटिंग की जो लिस्ट आती है उसमें टाइम लगता है। हम ये नहीं कह सकते फिक्स कि इतने दिन बाद वेटिंग आ जाती है, कि 10 दिन बाद आ जाए, 1 महीने में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको समय लग सकता है, मान के चलो तो आप जनवरी या फरवरी यहां तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना रहती है। ये लिस्ट कब आती है, जब ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जो भी सीट वैकेंट रहती है, और उसके बाद में भी थोड़ा इंतजार करते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, और जो भी अन्य एग्जाम्स जो चलते हैं उनमें ज्वाइनिंग के बाद में जो वैकेंट सीट रहती है उसके बाद में आपकी ये जारी की जाती है। तो उसमें जिनके भी पॉइंट में जिनके नंबर कम है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, जैसे 0.12, 0.80 इस प्रकार से जिनके भी है, वो अपने आप को निश्चित रूप से मान सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें, देखो जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर मैंने बताया था आपको कि भाई इस प्रकार से डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाने हैं, वो भी मैं बता देता हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट है वो परेशान हो रहे थे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ी परेशानी है, वो चल रही है भी कब का चाहिएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर जिन्होंने भी, जब भी आपका जिला आवंटन हुआ है उसके आसपास जिन्होंने भी पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई किया उनका मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह नहीं है कि भाई आपकी जो नियुक्ति आदेश होने के बाद में बनवाना है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया है, जिनका भी अब बन जाएगा 10-15 दिन के बीच बीच में जो भी ज्वाइनिंग हो रही है सबका मान्य है वो कर लिया जाएगा। प्रोसेस मैंने बता दी थी आपको, ई मित्र से क्या करना है, आवेदन करना है। ये करने के बाद में आपका जो भी पुलिस स्टेशन रहता है वहां पे आपको बुलाया जाएगा, आपका जो भी थाना अधिकारी वगैरह होता है, बीट ऑफिसर होता है, वो आपकी जांच करता है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होता है, तो ये वेरीफाई हो जाता है 5-7 दिन के अंदर। आपका डाउनलोड भी कहां से करना है, ई मित्रा से करना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें देखो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपका 1 घंटे के अंदर बन जाता है। तो ये हमें कब बनाना है, जब आपका ज्वाइनिंग आदेश हो जाए उसी के बाद में बनाना है, पहले बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात एक और ये भी है कि ये दोनों बनाने कहां से हैं, जैसे किसी का चूरू डिस्ट्रिक्ट है और उसको क्या मिलता है, सिक्कर मिल जाता है, तो अब ये दोनों को कहां से बनाएगा। तो देखो पुलिस वेरिफिकेशन तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से ही बनेगा, जहां पे आपका घर है, जो नजदीकी पुलिस थाना है। और जो आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात करते हो तो ये सिक्कर से भी आप बनवा सकते हो, लेकिन कुछ जिलों के जो अधिकारी होते हैं जहां पे ज्वाइनिंग होती है वो क्या मांगते हैं, आपके जो गृह जो जिला होता है चूरू, वहां के हॉस्पिटल से भी मांग लेते हैं, तो वो दोनों ही चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 घंटा का समय लगेगा, इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम करवा दिया था, और इसके लिए आपको 200 रुपए फीस ले सकते हैं डॉक्टर जब बना के देंगे, ठीक है। CMO के सिग्नेचर होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर के, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो भी बात है,
ज्वाइनिंग के अंदर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको नहीं है और ज्यादा जांच वाली भी बातें नहीं है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आराम से आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो इसमें मेन डॉक्यूमेंट आपकी 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की चाहिएगी, उसके बाद में जो भी आपकी जो डिग्री रही है, अगर आप लेवल 1 से हो तो आपकी जो BSTC की जो डिग्री है वो, और अगर आप BEd से हो तो वो, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, ओरिजिनल चाहिएगा, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, और उसके अलावा आपको कुछ शपथ पत्र जो बनाने दिए अभी मैंने बताया था, एक तो धूम्रपान को लेकर, धूम्रपान को लेकर सबको बनाना है, ठीक है, ये चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो दोनों को बनवाना है शपथ पत्र, ठीक है। और उसके बाद में आप बात करोगे धूम्रपान के अलावा दहेज वाला, ये भी बनवाना है, जो विवाहित है उनको इस प्रकार से बनवाना है कि जब भी मेरी शादी हुई थी तो मैंने दहेज नहीं लिया था, ठीक है, और जो अविवाहित हैं उनको ये बताना है कि भाई जब भी मेरी शादी होगी मैं दहेज नहीं लूंगा, इस प्रकार से बनाना है। और उसके अलावा जो भी आपके जो ये सर्टिफिकेट रहते हैं इनकी प्रमाणिकता के लिए एक शपथ पत्र चाहिए होता है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जांच के लिए, तो ये बनवाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे काउंसलिंग के बाद, ठीक है। काउंसलिंग किस प्रकार से होगी वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आपके जिला स्तर पे जो भी आपका जिला मुख्यालय होता है वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी, वहीं पे आपको क्या होगा विद्यालय का आवंटन होगा, ठीक है। और विद्यालय आवंटन है वो मेरिट बेस पे नहीं होगा, किसके आधार पे होगा वो भी मैंने बताया था, वरीयता के आधार पे होता है। और वरीयता कैसे बनेगी, वरीयता बनेगी जो भी PH कैंडिडेट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो भी विडो जो महिलाएं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही साथ जो एकल नारी जो भी होती है डिवोर्सी विडो जो भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और इन सबको प्राथमिकता देने के बाद में बारी आती है तो जनरल मेल और फीमेल की, ठीक है, मेल और फीमेल इन दोनों की प्राथमिकता के आधार पर आपकी क्या बन जाएगी वरीयता। अब देखो किसी जिले में ज्यादा अगर कैंडिडेट है, क्या है ज्यादा कैंडिडेट, तो ये काउंसलिंग है वो 2 से 3 दिन तक भी चल सकती है, और जिन जिलों में कम जो स्टूडेंट है उनकी जो है वो 1 ही दिन तक चलेगी, ठीक है। तो 1 दिन के अंदर पहले क्या करेंगे, PH कैंडिडेट को बुला लेंगे, विडो महिलाओं को बुला लेंगे आधे दिन तक, उसके बाद में आपकी बारी आ जाएगी और वहां पे विद्यालय की सूची रहेगी। अब जो PH कैंडिडेट शुरुआत में बुलाए और उन्होंने कोई विद्यालय चुन लिया वो आप अब नहीं चुन पाओगे, तो पहले से आप यह तय नहीं कर सकते कि हम ये विद्यालय चुन लेंगे, वहां पे आपके जाने के बाद में ही पता चलेगा कि आप कौन सा विद्यालय वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद में मैं बात करूं अब लेवल 2 की ज्वाइनिंग को लेकर, आप सबके मन में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो लेवल 2 की ज्वाइनिंग है वो किसी भी बेस पे नहीं रुकेगी, चाहे कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है कोई दिक्कत है इसमें नहीं होने वाली है, और प्रोविजनल जो रहेंगे इनमें उनको भी लगभग साथ में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेवल 2 का अंतिम परिणाम अगर 20 को आता है तो 28 या 29 तक को आपको जिला आवंटन हो जाएगा और 3 या 4 तक आपके क्या हो जाएंगे ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आचार संहिता 10 अक्टूबर की कह रहे हैं तो 10 अक्टूबर तक प्रोविजनल वालों के भी क्या हो जाएंगे नियुक्ति आदेश है वो हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीट मुख्य परीक्षा को लेकर जो भी लेवल 1-2 के जो भी सवाल थे आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, बाकी कोई भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे से टेलीग्राम पे आप जो भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, आपको तुरंत है वो जवाब दिया जाएगा, बाकी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी वो आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो सभी के पास में शेयर कर दें। धन्यवाद।